अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये बात बिल्कुल 100% हकीकी है कि औरत की निस्बतन मर्द को जिनसी मिलाप के लिए तैयार करना बहुत ही आसान होता है और मर्द बहुत ही आसानी से तैयार हो भी जाता है। एक औरत को इस बात का इल्म होना बेहद ज़रूरी है कि इसका शौहर किस वक्त जिनसी मिलाप के लिए तैयार होता है। हर मर्द ही हमेशा ये जानने की कोशिश करता है कि जिनसी लिहाज से औरत के जिस्म के हसास तरीन हिस्से कौन से होते हैं, और वो लाजमी इस पर अमल भी करते हैं और उसको जानने की भरपूर कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी हरकत है जिनको करने से औरत जल्दी ही मिलाप के लिए तैयार हो जाती है। जिस तरह से एक मर्द के लिए ये जानने की ख्वाहिश होती है, इसी तरह से एक औरत को भी ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मर्द के जिनसी लिहाज से हसास तरीन हिस्से कौन से होते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको मर्द के जिनसी लिहाज से हसास तरीन हिस्से बताऊंगी। औरत के जिनसी लिहाज से हसास तरीन हिस्सों की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल न्यू है तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो गुजारिश करूँगी वीडियो को भी लाइक कर लीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिए। एक बीवी के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वो अपने शौहर के जिनसी लिहाज से हसास तरीन हिस्सों को जान सके। जिनसी लिहाज से मर्द का सबसे ज़्यादा नाजुक और हसास तरीन हिस्सा उज़्वे ख़ास है और सबसे पहले नंबर पर यही आता है। मर्द के जिक्र को अगर सिर्फ छू भी लिया जाए तो वो फ़ौरन ही जिनसी मिलाप के लिए तैयार हो जाता है। मर्द के जिक्र की टोपी, जिसे हफशा कहते हैं, ये बहुत ही हसास होती है। टोपी के इर्द गिर्द जो गोल दायरे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हसास होते हैं, और टोपी के निचले वाला हिस्सा जो जिक्र के साथ टोपी को मिलता है, जो कि बिल्कुल गोश्त के एक टुकड़े या झल्ली नुमा होता है, बहुत ही ज़्यादा हसास तरीन हिस्सा होता है। अगर मर्द के जिनसी हिजान के दौरान इस झिल्ली को अंगूठे या उंगली में दबाकर प्यार से मसला जाए तो मर्द की जिनसी लुत्फ की बेइंतहा हो जाती है। ये था पहला हसास हिस्सा जिसके बारे में मैं आपको तफसील से बता दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ मर्द का दूसरा हसास तरीन हिस्सा। मर्द का जिनसी लिहाज से दूसरा हसास तरीन हिस्सा रानों का ऊपर वाला और अंदरूनी हिस्सा होता है। अगर मर्द की गोद में औरत बैठ जाए तो मर्द ज़्यादा लुत्फानंदोज होता है। तीसरे नंबर पर आने वाला मर्द का हसास तरीन हिस्सा उसके होंठ है। अगर मर्द के होंठों को भी चूमा जाए तो मर्द जिनसी तौर पर मुश्ताल हो जाता है, और मर्द हमेशा इसी औरत से मोहब्बत करता है जो उसे भरपूर लुत्फ देती है। चौथे नंबर पर मर्द का हसास तरीन हिस्सा निप्पल आता है। जैसे औरत के निप्पल हसास होते हैं, वैसे ही मर्द के निप्पल भी बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। अगर औरत मर्द के निप्पल पर हाथ लगाकर उंगली रगड़े तो मर्द बहुत ही ज़्यादा लुत्फानंदोज हो जाता है और जिनसी मिलाप के लिहाज से बहुत ही हसास हिस्सा कहलाता है। इसके अलावा मर्द की गर्दन, पेट, होंठ, उंगलियाँ वगैरह, ये सब हसास तरीन हिस्सों में शामिल होते हैं। इसके लिए बेहतर ये है कि मर्द और औरत जिनसी लिहाज से दोनों एक दूसरे को देखें कि मनी के कौन सी हरकत से आपका पार्टनर ज़्यादा खुश होता है। और इसका बेहतरीन हल ये है कि हर बार आप एक नया तरीका अपनाएं और देखें कि किस कदर लज्जत मिलती है आपको। जो मर्द हजरात या ख़वातीन ये वीडियो सुन रहे हैं, अगर वो मुकम्मल तौर पर इस पर अमल करेंगे तो यकीन करें वो बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी रही होगी। कोई बात जो पूछना चाहते हैं आप तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।